देव, आज का हमारा टॉपिक है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को आप क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आपको जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्रेब्स साइकिल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि टीसीए साइकिल किसने प्रपोज की थी, सर हैंस क्रेब्स, साइंटिस्ट के नाम से भी आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। और सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि टीसीए साइकिल की जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो, अब बात यह है कि टीसीए साइकिल हमारी बॉडी में क्यों परफॉर्म होती है, उसका काम क्या है। तो काम है एटीपी का फॉर्मेशन करना। अगर हमारी बॉडी को काम करना होगा तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एटीपी जब हमारी बॉडी को मिलेगी तब हमारी बॉडी काम कर पाएगी। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई ये बंदा है, उसको कुछ खरीदना है, मार्केट में ये गया, उसको कुछ खरीदना है, तो ये क्या करेगा, पैसे देंगे कुछ, तभी जो भी दुकानदार है वो उसे सामान देगा। तो उसी तरह से अगर हमारी बॉडी को कुछ काम करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एटीपी। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखो, जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, पाइरूवेट के अंदर। जो लास्ट प्रोडक्ट थी वो क्या थी, पाइरूवेट। पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल हमें मिल रहे थे। ये पाइरूवेट अब कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। और यहाँ क्या फॉर्म होगा, NADH। देखो नाम, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, डी मतलब रिमूवल, केनु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन का रिमूव होगा, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है, इसीलिए NAD में से NADH का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो फॉर्म हो रहा है वो है एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए एंटर होगा किसके अंदर, टीसीए साइकिल के अंदर। देखो, जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा लिपिड का, तब उसकी लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगी, एसिटाइल कोए। तो वो एसिटाइल कोए भी किस में एंट्री लेगा, टीसीए साइकिल के अंदर ही एंट्री लेगा। देखो, ये है हमारी टीसीए साइकिल। देखो अब ये टीसीए साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलो एसिटेट, यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सिलो एसिटेट है, वो है 4 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सिलो एसिटेट एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करके देगा, सिट्रिक एसिड। यहाँ आप याद रखो, ऑक्सिलो एसिटेट के पास 4 कार्बन है, एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन है, तो जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है सिट्रिक एसिड, उसके पास कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा सीस एकोनीटेट के अंदर। ये जो सीस एकोनीटेट है वो स्टेबल फॉर्म नहीं है, इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाएंगे आइसोसिट्रेट के अंदर। ये आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्सिलो सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ NADH फॉर्म होगा। फिर ये ऑक्सिलो सक्सिनेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लुटरेट के अंदर। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, मतलब एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ कितने का क्या कार्बन रहेंगे, अल्फा कीटोग्लुटरेट के पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। सिट्रिक एसिड के पास 6 कार्बन थे, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन। जब ऑक्सिलो सक्सिनेट अल्फा कीटोग्लुटरेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो 5 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लुटरेट 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और फिर से यहाँ एक कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो सक्सिनाइल कोए के पास कितने बचेंगे, 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ जो अब सारी प्रोडक्ट हमें मिल रही है वो 4 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लुटरेट 5 कार्बन एंड देन सारे जो प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन कंपाउंड की बनी हुई होगी। अब देखो, अल्फा कीटोग्लुटरेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए के अंदर, कौन सा एंजाइम, अल्फा कीटोग्लुटरेट डीहाइड्रोजिनेज, एंड देन सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट होगा सक्सिनेट के अंदर, यहाँ एक GTP का फॉर्मेशन होगा। ये GTP डायरेक्टली कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, और फिर ये जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट के अंदर, कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। यहाँ देखो, हाइड्रोजन रिमूव तो हो रहा है लेकिन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, FADH, और FADH किसके अंदर कन्वर्ट होगा, FADH के अंदर। फिर ये FADH2 है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम साइकिल देख लेते हैं। अब ये फ्यूमरेट आपको किस तरह से याद रखना है कि जब फ्यूमरेट का F, तब FADH2 फॉर्म होगा।
फिर ये फ्यूमरेट मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा और मेलेट ऑक्सेलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ भी NADH का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरी साइकिल में आप देख सकते हो कि यहाँ एक NADH यहाँ पर, एक NADH यहाँ पर और एक NADH यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और एक FADH2 का फॉर्मेशन होगा एंड एक GTP का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आ गया? तो ये TCA का तो काम है ATP का फॉर्मेशन, तो यहाँ ATP तो फॉर्म नहीं हुई। देखो किस तरह से फॉर्म होगी, ये जो NADH है, FADH है और GTP है, GTP तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, लेकिन जब ये NADH FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे तो ये एक NADH में से 2.5 ATP हमें मिलेंगे, इसलिए इंडायरेक्टली हमें ATP फॉर्म होके मिला, ठीक है। एक NADH में से 2.5 ATP मिलेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें कितने NADH मिल रहे हैं, 3 NADH, ठीक है। एक NADH से 2.5 ATP मिल रही है हमें, तो यहाँ कितने NADH फॉर्म होते हैं, 3, तो यहाँ टोटल कितने NADH से हमें ATP मिलेंगे, 7.5 ATP, ठीक है। फिर यहाँ एक FADH2 मिल रहा है, तो FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो 1.5 ATP हमें मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 1.5। और GTP है वो तो डायरेक्टली ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 ATP के अंदर, तो यहाँ टोटल कितने ATP हुए, 7.5 प्लस 1.5, तो हमें 9 ATP मिले, और GTP डायरेक्ट कन्वर्ट होगा ATP के अंदर, तो हमें टोटल कितने मिले, 10 ATP मिल गए। ये थी पूरी कैलकुलेशन जी, कितने ATP फॉर्म हो गए TCA साइकिल के अंदर। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो सारे स्टेप है वो मैंने लिखे, यहाँ आपको क्या करना है, स्टेप में क्या लिखना है, जो भी ये TCA साइकिल में आपने ड्रॉ किया है ना, वही आपको लिखना है कि भाई ऑक्सलोसक्सीनेट आएगा, एसीटाइल कोए के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सा एंजाइम है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगी, वही आपको स्टेप में लिखना है, ठीक है। इसीलिए अब मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ। देखो अब क्या करना है, रेगुलेशन आपको लिखना है एग्जाम्स के अंदर, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है, सबस्ट्रेट होगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी और तभी NADH या फिर TCA साइकिल रन होगी। फिर रेगुलेटरी एंजाइम, तो यहाँ रेगुलेटरी एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये जो सारे रेगुलेशन किस तरह से होगा वो हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर, जब हमने एंजाइम का चैप्टर हमने पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या है एंड इनहिबिटर क्या है। देखो फॉर एग्जांपल ये कोई एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, और ये एंजाइम की ये है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और ये है एलोस्टेरिक साइट। अब क्या होगा, अगर एलोस्टेरिक साइट के ये कुछ इस तरह से शेप है, फॉर एग्जांपल एलोस्टेरिक साइट पर अगर कोई एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा तो ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है वो प्रॉपर बन जाएगी और उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर इनहिबिटर आके बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट साइट है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा और सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा एंजाइम के साथ और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर है रेशियो ऑफ ATP ADP, वो किस तरह से काम करेगा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह, अगर ATP का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, आपकी बॉडी में ATP इनफ अमाउंट में है, तो TCA साइकिल रन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ATP बाइंड कर जाएंगे एंजाइम के साथ और फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कि TCA साइकिल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर ATP का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि ATP कम है आपकी बॉडी में, तो ADP बाइंड कर जाएगा एंजाइम के साथ और TCA साइकिल आपकी रन होगी। यहाँ जो एंजाइम हमने देखे थे रेगुलेटरी, वो हम देख लेते हैं सिट्रेट सिंथेज फर्स्ट है। सिट्रेट सिंथेज हमने यहाँ देखा, देखो हम साइकिल पहले देख लेते हैं, ये है साइकिल, यहाँ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है, वो है रेगुलेटरी एंजाइम। सिट्रेट सिंथेज के साथ अगर आपके जो भी सेल है उसके अंदर ATP का अमाउंट कम है तो ADP का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये ADP का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ADP बाइंड करेगा एंजाइम के साथ सिट्रेट सिंथेस के साथ
और फर्दर रिएक्शन होगी। अगर एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एटीपी बाइंड करेगा सेंट्रल सिंथेस एंजाइम के साथ और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर वहीं लिखा है सेलुलर को, अगर सेल को एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तब होगा। यहाँ आपको याद रखना है एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तब क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो रन नहीं होगी, वो इनहिबिट हो जाएगी। तो टीसीए साइकिल तो रन होगी, तो टीसीए साइकिल में से प्रोडक्ट क्या मिल रही है हमें, एनएडीएच एंड एफएडीएच मिल रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन नहीं हो रही है तो एनएडीएच एंड एफएडीएच में से हमें एटीपी नहीं मिलेंगे। एटीपी नहीं मिलेंगे तो एनएडीएच एंड एफएडीएच का कंसंट्रेशन हमारे सेल में ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये जो एनएडीएच एंड एफएडीएच का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो इनहिबिट कर देगा साइकिल को। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम है वो भी रेगुलेटरी एंजाइम है। अब क्या होगा, एटीपी का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो ये साइकिल रन होगी। ठीक है, जिस तरह से सिट्रेट सिंथेस की हमने बात की थी उसी तरह से अल्फा कीटोग्लुटरेट डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करेगा। तो ये थे सारे हमारे एंजाइम्स। और अब हम बात करेंगे इनहिबिटर के, भाई टीसीए साइकिल को इनहिबिट कौन करेगा। अगर एकोनिटेज एंजाइम है उस फ्लोरो एसिटेट है वो इनहिबिट करेगा एकोनिटेज एंजाइम की एक्टिविटी को, तो टीसीए साइकिल रन नहीं हो पाएगी। उसी तरह से अल्फा कीटोग्लुटरेट डिहाइड्रोजिनेस है वो आर्सेनाइट से इनहिबिट होगा और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस मेलोनाइट से। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।